हेलो सन मून एंड राइजिंग एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है मई 2024, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे हैवेंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट के मंथ ऑफ मई में आपके लिए क्या मैसेजेस आ सकते हैं। और एरीज के लिए मंथ ऑफ मई में क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। व्हाट आर मैसेजेस फॉर एरीज इन मंथ ऑफ मई, एरीज साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ मई। व्हाट आर, ओके, अंडरनीथ द डेक आपके पास है फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर था, बट आपको उस तरीके से आपके ऊपर वर्क प्लेस पे में हो सकता है कि बहुत बर्डन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मनी वाइज आप इनसिक्योर रहे हों, लाइक इनकम उतनी नहीं हुई हो जितना काम था, या फिर आपने कुछ एंड हुआ है रिलेशनशिप्स के हवाले से, ऐसा हुआ लग रहा है कि कुछ एंड हुआ है। और यह मुझे एक फीलिंग आ रही है कि कोई हाउस बिल्ड कर रहा है लेकिन मनी जो है वो कम पड़ रहा है उनको, उसको ऐसी कोई सिचुएशन आपके हो सकती है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ एंड हुआ है आपके रिलेशनशिप में और आप क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं, नो टॉकिंग सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जग गए हैं आपने रिलेशनशिप में, लाइक रिलेशनशिप एंड हुआ है। तो यस, कुछ एंड हुआ है यहाँ पर आपके लिए, समथिंग एंडिंग फॉर यू, जिसके बाद आप हो सकता है कि कुछ क्लोजर आपको मिला हो और उसके बाद आपका रिलेशनशिप जो है वो एंड हुआ हो। और यहाँ पे हो सकता है कि आपने ट्रैवल के हवाले से सोचा है, ट्रैवलिंग के हवाले से सोचा है, या फिर कोई एक साइकिल आप अपनी लाइफ में एंड कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये व्हाई दिस वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर, why this world card is here for Aries. Please universe guide me why this world card is here. Three of Swords. So yes, definitely आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे, या तो थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, या आप एंडिंग्स लाइक लव लाइफ में कुछ एंड हुआ है आपका, और ब्रेकअप सिचुएशन से आप गुजर सकते हैं फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप बहुत ज़्यादा इस ब्रेकअप को सोच सकते हैं, और इससे बचने के लिए आप अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर सकते हैं। फर्स्ट वीक की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड वीक में भी अगेन से चैरियट है, हो सकता है आप ट्रैवल के हवाले से सोचा आपने, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की फाइनेंसेस जमा करने के लिए, बट फाइनेंसेस पूरे नहीं हो सके तो आपने अपना ट्रैवल प्लान जो है वो छोड़ दिया। फर्स्ट वीक में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई और आपने अपना ट्रैवल प्लान छोड़ दिया, बट सेकेंड वीक में मुझे लगता है कि आपका जो ट्रैवल प्लान है वो वर्क कर सकता है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी उस हवाले से मिल सकती है। और हो सकता है बाहर की किसी ओवरसीज़ कंपनी में आपने जो मैनिफेस्ट की थी जॉब वो आपको मिल सकती है, और हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि पास्ट लाइक आपने बाहर के लिए अप्लाई किया, वहाँ कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ से आपको सडनली ऑफ़र आ सकती है। इसके अलावा आपने हो सकता है पास में जो सिचुएशन एंड हुई थी आपकी, वो सेकेंड वीक में अचानक से एक नया स्टार्ट ले सकती है, बिल्कुल सडन, जो कि आपने मैनिफेस्टेशन की थी वो आपकी पूरी हो सकती है, और अचानक से आपके डिफरेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, और आप आगे बढ़ सकते हैं सेकेंड वीक में। यस, थर्ड वीक में एक नया इमोशनल स्टार्ट आपका हो रहा है, ये बिल्कुल टोटली एक नया पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका की नई बिगनिंग हो रही है,
हो सकता है कि मैरिज प्रपोज़ल आपको मिल सकता है अचानक से, एक रिलेशनशिप में एंडिंग के पाते का अचानक से एक मैरिज प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है जिसमें आपकी न्यू स्टार्ट हो सकता है। और थर्ड वीक में आपका एक इमोशनल न्यू स्टार्ट हो रहा होता हुआ मैं देख रही हूँ, चाहे वो पास्ट पर्सन से हो रहा है चाहे न्यू पर्सन से हो रहा है, बट हो रहा है। ओके सो व्हाई दिस एस ऑफ कप इज़ हेयर, लेट्स सी कि यहाँ पे एस ऑफ कप क्यों है फॉर एरीज। वैसे तो इसको क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इमोशनल स्टार्ट है, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग। विद होम दिस न्यू स्टार्ट इज़ हैपनिंग, किसके साथ ये नया स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सी और मोर क्लेरिफाई कर लेते हैं इसको। जस जहाँ से एंडिंग हुई थी वहीं से आपका न्यू स्टार्ट हो रहा है। यस और एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, लाइक जहाँ से आपने एंड किया था ये रिलेशनशिप उसके बाद एक नया साइकिल बिगेन हो रहा है और ये पास्ट पर्सन से ही हो रहा है। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, कैंसर, सेजिटेरियस इन पर्सन से डील कर रहे हों। और लेट्स सी के यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली फोर्थ वीक में आप जगल कर सकते हैं। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं उस पर्सन में, अगेन से ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आपके लिए। और ये पास पर्सन आपका ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से जिसके साथ आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, आपने बहुत ज़्यादा गिव किया है उस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट किए हैं, लेकिन वो जो है काम नहीं कर रहा, वो उस रिलेशनशिप में आपको फिर भी एक एंडिंग मिली, लेकिन एक रिलेशन किसी और की तरफ से आपको एक स्टेबल ऑफर आई, तो आपका पास पर्सन भी वापस आपके पास आ सकता है थर्ड वीक में, जिसके बाद आपको अगेन से उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं और आप दो लोगों में जगल कर सकते हैं, आपने पास पर्सन और इस न्यू पर्सन के दरमियान। फोर्थ वीक में आप जो है वो जंगलिंग पोजीशन में जाएंगे और आपको हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज उस पर्सन के ऊपर हों, अपने पास पर्सन में अगेन से ट्रस्ट इश्यूज हों, बट आपके पास एक स्टेबल ऑफर मौजूद होगी। यस आपके पास एक स्टेबल ऑफर मौजूद होगी, सॉरी फॉर दिस, जिसके वजह से आप जो है वो जगल करेंगे दो लोगों में। सो डेफिनेटली आई फील के आपको आप डिसीजन जो है वो आपका अपना है, जो भी डिसीजन लेंगे वो आप खुद लेंगे। और यस किस पर्सन के पास आपको वापस जाना है ये डिसीजन आप खुद लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है, जो आपने चाहा था हमेशा से वैसा प्रपोज़ल है ये। और ये मैरिज भी इसमें आपको मिल रही है, तो आप इसको ही कंसिडर करेंगे या होपफुली। लेट्स सी कि आपके यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है यहाँ पर। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेटली एक मैरिज प्रपोज़ल मिलेगा फ्रॉम यूनिवर्स। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई नया रिलेशनशिप किसी रिलेशनशिप में आपको बिगनिंग हो रही है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी किसी रिलेशनशिप में, किसी नए रिलेशनशिप में, तो वो आपको करनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए सेफ है, वो बिगनिंग आपको करनी चाहिए। दिस कुकू इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड maybe you are hearing that cuckoo. Okay. So let's see कि आपके लिए मज़ीद एडवाइजेस क्या हैं। आपके लिए सेफ है अगर आप नया स्टार्ट लेते हैं उस पर्सन के साथ, किसी नए पर्सन के साथ, तो आपको लेना चाहिए। नथिंग इज़ येट सेट टू द स्टोन, तो ये भी आपको कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ भी सेट नहीं है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं अपने हिसाब से। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नया स्टार्ट तो आपके लिए आ रहा है, चाहे आपके नए प्रपोजल की सूरत में हो, चाहे आपके पास पर्सन के साथ एक नया स्टार्ट हो, लेकिन ये आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। डिसीजन आपके ऊपर है, जो भी डिसीजन आप लेंगे वही आपके लिए आपके फ्यूचर बनाएगा। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।